Good morning everyone, I am Nisha Dubey, SMS teacher in Krishna Public School. Yesterday we have complete question number 5 of exercise 1A, class 5th. Now today we start question number 6. Express in expanded form. Kya karna hai? Express karna hai hume expanded form mein. Now we see part number A. Part number A is 54,27,30,560. Okay? जब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है तो हर डिजिट का क्या लिखते हैं, हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जैसे 5 है तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जितनी नंबर ऑफ डिजिट होती हैं उसके पीछे उतने जीरोस हम उसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, प्लस फिर नेक्स्ट वाले नंबर की। जैसे यहाँ 4 है, 4 के बाद देखिए हम नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 7 है, तो उसके आगे 7 जीरोस लगा देंगे, फिर प्लस, फिर 2। जैसे अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, हमें कितने नंबर्स हैं, 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं, हमारी डिजिट्स है 6, तो हम यहाँ पर 2 के आगे 6 जीरोस पुट कर देंगे, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट वाले नंबर क्या है हमारा, 7 के आगे देखेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 5, तो हमने 7 के आगे 5 जीरोस पुट कर दिए, फिर प्लस, फिर 3 के बाद देखेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट है हमारी, 4, तो हमने 3 के आगे कितने नंबर ऑफ जीरोस पुट करें, 4 जीरोस पुट कर दिए, प्लस, फिर 5 के बाद देखेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 2, तो हमने 5 के आगे कितने जीरोस पुट कर दिए, 2 पुट कर दिए, प्लस, अब देखेंगे 6 के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1, तो 6 के आगे 1 जीरो पुट कर दिया, प्लस, अब ये यहाँ पर क्या है, 0, तो मीन्स 0 ही आएगा, और इसके बाद ये वंस डिजिट है, इसके बाद कोई डिजिट भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम हर नंबर की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, प्लस करते जाते हैं, फिर नेक्स्ट वाले की प्लेस वैल्यू, फिर उससे नेक्स्ट वाले की प्लेस वैल्यू, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट वाले की प्लेस वैल्यू। यहाँ पर हम हर डिजिट की क्या लिखते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, इसे बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ वी सी पार्ट नंबर बी। अब देखेंगे हम पार्ट नंबर बी हमें क्या गिवन है। पार्ट नंबर बी हमें गिवन है 12,34,56,789। तो सेम हियर हमने क्या करा, यहाँ पे 1 की प्लेस वैल्यू देखी, तो 1 के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है हमारी, 8 डिजिट है, तो मैंने 1 के आगे कितने जीरोस लगा दिए, 8 जीरोस लगा दिए, प्लस, अब मैंने देखा 2 के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 7, तो मैंने अपने 7 के आगे 2 के आगे नंबर ऑफ जीरो जो लगाए हैं वो कितने हैं, 7 लगाए हैं, प्लस, फिर हमने देखा 3 के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 6, तो मैंने अपने 3 के आगे कितने नंबर ऑफ जीरोस लगा दिए, 6 जीरोस लगा दिए, देन फिर मैंने देखा नेक्स्ट डिजिट, अपनी मेरी नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 5, तो मैंने 4 के आगे 5 जीरोस लगा दिए, प्लस, अब मैंने देखा 5 के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 4, तो मैंने 5 के बाद 4 जीरोस लगा दिए, प्लस, फिर मैंने देखा 6 के बाद कितने डिजिट है, 3, तो मैंने 6 के आगे 3 जीरोस लगा दी, फिर प्लस, फिर मैंने देखा 7 के बाद कितने डिजिट है, 2, तो मैंने 7 के आगे 2 जीरोस लगा दिए, फिर प्लस, फिर 8 के बाद देखा कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1, तो मैंने क्या लगा दिया, 1 जीरो लगा दिया, प्लस 9। इसे बोलते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म, हर नंबर की क्या लिखते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं इसमें। नाउ वी स्टार्ट पार्ट नंबर सी। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर सी में क्या गिवन है। पार्ट नंबर सी में गिवन है हमें 3,81,80,700। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे 3 के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 7, तो मैंने यहाँ पे 3 के आगे 7 जीरोस पुट कर दिए, ओके, फिर मैंने देखा 8 के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट है मेरी 6, तो मैंने 8 के आगे कितने जीरोस पुट करे, 6 पुट गए, देन 1 के आगे मैंने देखा कितनी नंबर ऑफ डिजिट है मेरी, 5, तो मैंने 1 के आगे 5 जीरोस लिख दिए, ओके, फिर मैंने देखा 8 के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट है मेरी, 4, तो मैंने 8 के आगे 4 जीरो पुट कर दिए। अब मैंने देखा 0 के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, 3 है, पर 0 से हम कभी भी 0 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमारा 0 ही आता है, क्या आता है, 0 ही आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, फाइनली हमने यहाँ 0 ही लिखा है, प्लस, फिर मैंने क्या करा, 7 के बाद देखा कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 2 है, तो मैंने 700 लिख दिया। अब यहाँ पे 7 के बाद भी दोनों 0 हैं, तो अब मैंने सेम हेयर, अब 7 क्या है, वो 0 एक टेंस प्लेस पे है, तो अगर 0 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 ही आएगा, देन प्लस 0 ही आएगा, ये यहाँ पर ये एक ही बार आएगा। तो यहाँ पर हमने हर डिजिट की क्या लिखी है, प्लेस वैल्यू लिखी है, इसी फॉर्म को हम एक्सपेंडेड फॉर्म मिलते हैं। नाउ वी सी पार्ट नंबर डी। अब हम पार्ट नंबर डी देखेंगे। पार्ट नंबर डी में हमें क्या गिवन है,
98,76,54,301। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा, देखो आप सिंपली यहाँ पे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, टेन करोड़। तो टेन करोड़ में कितनी नंबर ऑफ जीरोस आती हैं? एट जीरोस आती हैं। तो हम यहाँ पे डिजिट ना काउंट करके आप अपना ये भी काउंट कर सकते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो यहाँ पे मेरा नाइन क्या है, टेन करोड़ है, तो टेन करोड़ में कितनी नंबर ऑफ जीरोस होती हैं? एट जीरोस होती हैं। तो मैंने नाइन के आगे कितनी जीरोस लगा दी? एट जीरोस लगा दी। फिर मेरा एट क्या है? करोड़ है, तो करोड़ में कितनी नंबर ऑफ जीरोस होती हैं? सेवन होती है। तो मैंने एट के आगे कितनी जीरोस लगाई हैं? सेवन। अब सेवन क्या है मेरा? टेन लैख है, तो मैंने सेवन के आगे कितनी नंबर ऑफ जीरोस लगा दी? सिक्स जीरोस लगा दी। ओके, प्लस सिक्स क्या है मेरा? करोड़ है, तो मैंने सिक्स के आगे कितनी नंबर ऑफ जीरोस लगाई है? फाइव। देन उसके बाद मेरा क्या है? फाइव कितना है? फाइव मेरा टेन थाउजेंड है। तो मीन्स फाइव के आगे कितनी नंबर ऑफ डिजिट है? तो टेन थाउजेंड में कितनी आती है? फोर आती है। और फाइव के आगे नंबर ऑफ डिजिट में कितनी है? फोर है। प्लस अब फोर के आगे कितनी नंबर ऑफ डिजिट है हमारी? थ्री है। तो हमारा क्या गया? थ्री, फोर थाउजेंड आ गया। फिर प्लस मैंने थ्री के बाद देखा कितनी नंबर ऑफ डिजिट है? टू डिजिट है, तो मेरा थ्री हंड्रेड आ गया। प्लस ज़ीरो एज इट इज़ आएगा, क्योंकि ज़ीरो से कभी भी किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो ही आता है रिजल्टेंट। देन प्लस वन, क्योंकि वन तो हमारा वंस प्लेस पे ही है, तो इसलिए इसके बाद कोई नंबर ऑफ डिजिट नहीं है, इसलिए हमारा क्या रह गया? वन सिंगल रह गया। ओके, ऑल।